अपने घर फोन लगाओ और अपने माँ बापू जी से पूछो कि हनीमून के लिए पैसे कब भिजवा रहे हैं। चलो जल्दी करो। चलो चलो, चलो। हेलो माँ, मैं बोल रही हूँ। सरस्वती, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुझे ही याद कर रही थी मैं। कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ। वहां दिल लगा तेरा? पसंद आया ना ससुराल? काम की बात करो। क्या कर रही थी? माँ, आज नाश्ता बनाया था, खीर। पूरा पतीला वहां भिजवा दे, पैसे की बात कर। खीर बनाई थी तो घर में सब खुश हुए होंगे। तेरे लिए कुछ बची है कि नहीं? बची है ना माँ। माँ, मुझे आपसे काम था। हाँ बोल ना सरस्वती। माँ वो सरस्वती बता दे, जो कुछ भी है वो बता दे। माँ और बेटी के बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। फोन का बिल भी तुम्हारी माँ देने वाली है क्या? बोल सरस्वती। कुछ नहीं माँ, बस आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए फोन किया था। मैं ठीक हूं माँ। हेलो सरस्वती, सरस्वती माँ, दीदी का फोन है ना? हाँ लक्ष्मी, सरस्वती का फोन था। वो कुछ बोलना चाहती है पर बीच में ही फोन काट दिया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ आप परेशान मत होइए, दीदी इसी शहर में तो है। मैं दीदी से अकेले में बात करूंगी, सबके सामने नहीं। ठीक है माँ। मेरी माँ बहुत चाहती है उन चारों बहनों को। बचपन से लेकर आज तक बिना मांगे सब कुछ दिया है उन्होंने हमें। मम्मी जी मैं कैसे मांगू अपने लिए उनसे कुछ? सरस्वती तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हारी माँ को अपनी जायदाद तुम्हारे नाम लिखने को कह दिया और उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तो कौन सा एहसान किया किसी पर? हर माँ बाप अपनी बेटी की खुशी देखते हैं, अपनी नहीं। और वैसे भी उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या है? इस शादी पर भी हमारा खर्चा ज्यादा हुआ है। हम तुम्हें हनीमून पे कहां भेज रहे हैं ये पूछ सकते हैं, लेकिन तुम लोगों का चार दिन का खर्चा नहीं उठा सकते। खर्चा उठा लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा हम पर। ये आंसू बहाकर किसे दिखा रही हो? तुम्हारे माँ बाप ने अपना बोझ हमारे सर डाल दिया, तुम्हारी शादी करके तुमसे पीछा छुड़ा लिया। सरस्वती एक बात याद रखना, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं, ये मेरा घर है। और यहां वही होगा जो मैं चाहूं। हमने ये रिश्ता जोड़ा था बहू के लिए, नौकरानी के लिए नहीं। अब तुम ही डिसाइड करो, तुम्हें नौकरानी बनना है या बहू रानी।
लक्ष्मी आओ आओ अंदर आओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ आओ। अब तुम ही समझाओ अपनी दीदी को, सुबह से रो रही है। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। ससुराल कितना भी अच्छा हो, मायका मायका ही होता है। और फिर इतनी जल्दी मायके को भुलाकर ससुराल में मन लगाना बहुत मुश्किल होता है। सरस्वती आओ, चाय पानी का इंतजाम करते। लक्ष्मी तुम बैठो, सरस्वती अभी आती। मैंने तुम्हें कहा था ना कि चोट का निशान छिपा कर रखना। एक बात कही बात शायद समझ में नहीं आती। हैरानी होती है मुझे तुम्हारे माँ बाप पे। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किसी के घर बिन बुलाए मेहमान बनकर नहीं जाते। और तो और ये भी नहीं सिखाया कि अंदर आते वक्त दरवाजे पर नॉक करते हैं। ये रोने का नाटक बंद करो और पहले उस बिन बुलाए मेहमान को चाय पिलाकर यहां से चलता करो। सारा दिन मेरे सर पे मत बिठाए रखना। बैठिए ना। आपने फिर मुझे डफोल बना दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठिए ना। आप भी बैठिए। आप मेहमान हैं इसलिए पहले आप। अगर तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही उसके घर में आने से तो फिर जाकर क्या क्यों नहीं रहती कि चली जाए। ये आप मजाक कर रहे हैं या सच में राय दे रहे हैं? अगर मजाक था तो बहुत ही बुरा था, और अगर राय थी तो भी बहुत गलत थी। तुम आराम से बैठकर उसके जाने का इंतजार क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जब तक यहाँ पर है हमारी गर्दन पर एक तलवार सी लटकी हुई है। अगर उसने गलती से भी सरस्वती के चेहरे पर वो निशान देख लिया तो जो सपने हमने बुने हुए हैं वो पूरे होने से पहले ही टूट जाएंगे।
जिस खजाने में हम सेंध लगाने की सोच रहे हैं उस तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। दिल पर हमारे चाहे जो भी बीते, लेकिन सरस्वती के घर वालों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। उनको तो ये बताना ही पड़ेगा कि उनकी बेटी को हमने कितना खुश रखा हुआ है। सावित्री बहन, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सावित्री बहन, मैं चाहती हूं कि इस घर में सभी खुश रहें। अगर आप मुझे अपना मानती हैं तो बताइए ना क्या बात है। अब ये मत कहिएगा कि कोई बात नहीं, क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है कि जरूर कोई बात है। बताइए ना, आप बताती क्यों नहीं? सरस्वती का फोन आया था, वो बहुत ही परेशान लगी मुझे। परेशान लगी? मैं उसे अभी फोन करके पूछती हूँ कि क्या बात है। नहीं नहीं, फोन मत कीजिए। वैसे तो लक्ष्मी वहां गई है पूछने के लिए कि क्या बात है। अच्छा, लक्ष्मी वहां गई है? क्या हुआ? चटपटी खबर है। क्या? लक्ष्मी सरस्वती के घर गई है। तो उसे आने में देर हो रही है। बेन, अगर लक्ष्मी को घर आने में देर हो गई तो क्या होगा? भाई किसी भी समय घर आ सकते हैं। हाँ, तो तुझे नहीं पता क्या होगा? पता है। तुम्हारी माथे की चोट का निशान इस घर में किसी को नजर नहीं आना चाहिए। दीदी, सुबह से देख रही हूँ और शाम हो गई है, आप लगातार काम में ही लगी हुई हैं। आपके पास मुझसे 2 मिनट भी बात करने का समय नहीं है। ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी, बोलो ना, यहाँ बैठ के भी तो बात हो सकती है। नहीं दीदी, आराम से बैठकर बात करते हैं। बैठकर बातें करूंगी तो घर में काम कौन करेगा? वैसे भी सब आते होंगे, खाने का वक्त भी हो गया ना। हाँ ये तो है, मैं काफी देर से आपसे बात करने का इंतजार कर रही थी, पर आप ठीक कह रही हैं, काफी देर हो गई है, मुझे भी चलना चाहिए। बुरा मान गई क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि पहले दिन हो या रात मैं कभी भी आपसे बात कर लेती थी, पर अब तो आपसे मिलने का भी बहाना ढूंढना पड़ता है। क्या बात है दीदी, कोई परेशानी है क्या? माँ भी कह रही थी कि आप फोन पे बहुत परेशान लग रही थी। असल में मैं यही पूछने आई थी। नहीं लक्ष्मी, कोई परेशानी नहीं है।
लोगों के बगैर रहने की आदत नहीं है ना, तो बस मन भर आता है। मम्मी जी अभी कह रही थी ना, कभी भी रो पड़ती हूँ। दीदी, आपने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, इस बार भी आप सच बोल रही हैं ना? सरस्वती, तुम अभी तक किचन में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, ज्यादा काम मत किया करो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे तो घूमने फिरने के दिन है, काम तो होता रहेगा। पर मम्मी जी, पर कुछ नहीं सरस्वती, तुम काम की ज्यादा चिंता मत किया करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। तुम सिर्फ भविष्य का ध्यान रखो। क्यों लक्ष्मी, ठीक कहा ना मैंने? आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दीदी आप तैयार हो जाइए, मैं चलती हूँ। लक्ष्मी, इतनी बारिश में कैसे जाओगी? चली जाऊंगी दीदी, रुको मैं छाता लेकर आती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें यही रुक जाना चाहिए, खाना खाकर जाओ और तब तक बारिश भी रुक जाएगी। पर घर पर परेशान हो रहे होंगे ना? हाँ, पहले ही मुझे बहुत देर हो गई है। मेनका, मेनका, अरे आप तो भीग गए। इतनी बारिश है, मुझे चिंता हो रही थी कि आप कहाँ फंसे होंगे। मैं टॉवल लाती हूँ। चलो, एक जन तो घर वापस आया। एक मतलब? और कौन है बाहर? लक्ष्मी है ना। बेचारी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी, कैसे आएगी वो घर? कहाँ गई है लक्ष्मी? वो सरस्वती के ससुराल गई है। बहुत मन हो रहा था उसका, उसे देखने का। हाँ, उसे सरस्वती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उससे मिलने गई है। तो मिलने में कितनी देर लगती है? उसे वापस आ जाना चाहिए। और तुम में से किसी ने उसे वहां भेजने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? लक्ष्मी, क्या हुआ? दीदी बाहर इतनी बारिश हो रही है कि मुझे कोई रिक्शा ही नहीं मिला। अरे क्या हुआ, आप अभी तक गई नहीं? हाँ, असल में बाहर इतनी बारिश की वजह से रिक्शा ही नहीं मिला। ओहो, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, बल्कि मुझे पहले ही आपको छोड़ देना चाहिए था। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। मैं घर पे किसी को फोन कर देती हूँ, कोई मुझे लेने आ जाएगा। इसकी क्या जरूरत है, बाहर तो पानी भी जमा होगा। चलिए मैं ही आपको छोड़ देता हूँ।
सत्य काम। थैंक यू। नो प्रॉब्लम भाभी। लक्ष्मी पहुंच के फोन करना। हाँ जाओ। आइए। बाय भाभी। संदन जी नमस्ते। सूर्यकांत बोल रहा हूँ। नमस्ते सूर्यकांत जी, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। लक्ष्मी आपके यहाँ आई है, उसे कहिएगा वहीं रुके, वहीं इंतजार करें, मैं युवराज को भेज देता हूँ उसे लेने के लिए। आप परेशान मत होइए सूर्यकांत जी, किसी को भेजने की जरूरत नहीं, हमने लक्ष्मी को भेज दिया है। भेज दिया है अकेले? जितनी आपको उसकी चिंता है उतनी हमें भी है। सत्य काम क्या है उसे छोड़ने? बस दोनों पहुंचते ही होंगे। अब लक्ष्मी को जल्दी आना ही होगा। वरना नमः शिवाय। नमः।